हेलो दोस्तों, महमूद खान का आप हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जहां सांप पकड़ने का वहाँ गठा मर के गट्टा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी अभी हम गट्टा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। ये रास्ता गठा मर की ओर जा रहा है और ये रास्ता जोड़िया की ओर जा रहा है और हम सांप पकड़ने सामने जो गेट है वहाँ पे अंदर एक सांप आया हुआ है। सामने जो सिंह विस्तार के अंदर है वहीं पे एक सांप है। हम अंदर जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को महमूद खान का नमस्कार। आज सुबह सुबह हम दुकान पे आ गए थे और हमें आते ही कॉल मिला कि गठामड़ के अंदर एक सिंह विस्तार के अंदर एक रहना मकान के अंदर एक सांप आया हुआ। पहले भी यहाँ पे जो घर है वहाँ दो दफ़े आ गए और ये आज तीसरी दफ़े यहाँ सांप आया हुआ है। पहले हम रात को भी आए थे और अभी ये दिन को सांप आया हुआ है। हम सांप का रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी हम घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। इस भाई का हम पे कॉल आया हुआ था और सांप पकड़ने से खतरा हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, इसी सावधानी रखें क्योंकि सांप पकड़ना कोई आसान काम नहीं। हम रोज़ ऐसे खतरों के खिलाड़ी काम करना पड़ता है, लेकिन हम सावधानी से काम करना पड़ता है क्योंकि अभी अभी ये काकरे तालुका में काका बरसों से सांप पकड़ रहे थे और वो सांप के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे थे। वो सांप ने डंक मारा, वहीं पे वो मौत के ढेर उतर गए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे एक्सपर्ट भाइयों के, कोई भी सांप पकड़ो रेशान भी पकड़ा बढ़ने में पूरा और जंगल में थोड़ा इतना ही काम करो, ज़्यादा सांप के साथ कोई छेड़छाड़ी करना नहीं क्योंकि सांप दुनिया में बचाना पड़ता है। हम इस सांप का रेस्क्यू करने अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सांप आया हुआ है। हमारे रंग तो है जी, बहुत बड़ा। दोस्तों अभी अभी हमने देखा और भारत का इंडियन प्रैक्टिशन कोबरा सांप है। ऐसे सांपों से आप सावधान रहिए। अभी किसी के घर में ऐसा कोई अनाज पड़ा हो, ऐसा कोई काटमार पड़ा हो तो पहले हाथ कभी डालना नहीं, इसको सावधानी से दूर करना, फिर देखना, फिर अंदर हाथ डाल के देखना क्योंकि अंदर कोई सांप आया है या नहीं, फिर काम करना। हम लोगों को बार बार हमारे वीडियो में चेतावनी देते हैं भाई, ऐसे काम से आप सावधानी रखें। देखिए बहुत बड़ा कोबरा जाति का सांप है। लगभग 5 से 6 फुट लंबा कोबरा जाति का सांप है। हम इसको सही सलामत रेस्क्यू करेंगे। आप लोग जरा बाहर चले जाइए, कहीं सांप का कोई भरोसा नहीं। हमारे हाथ में छूट जाए तो डरने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। Thank you.
ये लगभग 5 फुट लंबा हमने गठामणि के विस्तार से व्यस्त किया है। देखिए हम इस शाम को लेकर बाहर जा रहे हैं तेरालो तालुका के गठामण के अंदर। हम आए हैं मेहसाणा जिला के अंदर और इसको हम सही सलामत सांप को हमने पकड़ भी लिया है और हम भी इस सांप का दोस्त है। देखिए बहुत गर्मी के कारण अभी अभी बहुत सांप निकल रहे हैं। चलो अंदर दाखिल हो जाओ। दोस्तों अगर किसी के घर में सांप आता है तो हमारा नंबर है 94-263-16 पर हमें कॉल कीजिए। हम आएंगे सांप को पकड़ेंगे और सही सलामत जंगल के अंदर इसको हम रिलीज कर देंगे। कोई के घर में कुल में कुएं में कहीं भी जगह पर सांप आया होगा तो हमारा नंबर है 94-263-16 पर कॉल कीजिए। हम आएंगे और सांप को पकड़ेंगे सही सलामत जगह पर हम छोड़ भी देंगे। दोस्तों हमने सामने विस्तार से सांप को पकड़ा है। कोबरा जाति का सांप है। ऐसे सांपों से सावधान रहिए। हमने इस बरनी की महामेहनत के अंदर हमारी जान का जोखिम में डालकर हमने इस सांप को कैद किया है बरनी के अंदर और आजू बाजू छेद कर दिया है ताकि सांप की भी जान चलती रहे। हम इसको 10-15 मिनट के अंदर आएंगे बाहर जाके कोई जंगल विस्तार जहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, जहाँ कोई सांप को मारे नहीं, ऐसी सुमसान जगह पर सांप को हम कोई झाड़ी झाड़े में इसको रिलीज कर देंगे क्योंकि ये पर्यावरण का एक अंग है। और आप ऐसे सांपों को जंगल विस्तार में छोड़ दीजिए और दुनिया में झाड़ भी बहुत कट रहे हैं इसीलिए एक झाड़ एक इंसान के आने का वादा करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय आपने पकड़े दीजिए। आप मेहसाणा जिलों मेहसाणा तालुको खेरालू गाम गठामण तो अमर सांप आयो तो इतना खेतर मो पकड़ायो तो मैं आपने अभी मारता नहीं कभी इन शो पकड़ाई दीद भाई आभार। धन्यवाद। जय हिंद। खान का आपको नमस्कार। अभी अभी हमने इस सांप को गठामण से जो रेस्क्यू किया हुआ था एक सिंह विस्तार के अंदर से इसको हम सही सलामत इस जंगल के अंदर छोड़ रहे। देखिए दोस्तों हमने इस बेजुबान को जंगल में रिलीज कर दिया है वरना आज हम नहीं होते तो घर मालिक मारने पर तुला हुआ था लेकिन हमारे कारण आज इस कोबरा सांप की जान बच गई और इसको हमने सही सलामत पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया। आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। वंदे मातरम। जय भारत। आव जो एक जाड़ जरूर थी वाव जो।